नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो हम राहु केतु के ट्रांजिट की एक श्रृंखला से चला रहे हैं, जिसके अंदर के हम पांच राशियां अब तक जो है कि कर चुके हैं, देख चुके हैं उनके लिए कौन सा टाइम अच्छा और कौन सा बुरा रहेगा ट्रांजिट का, जो कि राहु केतु 20 सितंबर से इस साल और 2022 मार्च 16 तारीख तक रहेगा। तो उसमें चर्चा करते हैं आज की राशि कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि के अंतर्गत आने वाले तीन नक्षत्र उत्तराफागुनी, हस्त और चित्रा, जिनका चंद्रमा हस्त के अंदर, चित्रा के अंदर, उत्तराफागुनी के अंदर, कन्या राशि के अंदर है। तो पहले अपना चार्ट खोलिए, उसके अंदर जो है कि अगर 6 नंबर में आपका चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है, उसको आप लग्न में ले आइए। और फिर उसमें देखिए कि जो चंद्रमा के आगे नक्षत्र कौन सा लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जो उत्तराफागुनी नक्षत्र है हस्त नक्षत्र है या चित्रा नक्षत्र है। तो उस हिसाब से जो है कि आपको ये मालूम चल गया कि आप कन्या राशि है और आपका जो उत्तराफागुनी नक्षत्र है। तो अब जो कि बात करते हैं उत्तराफागुनी नक्षत्र पे क्या असर रहेगा राहु केतु के ट्रांजिट का, जो कि 20 सितंबर से होने जा रहा है। तो 20 सितंबर से जो है कि आपका जो है कि राहु जो है कि वृक्ष नक्षत्र के अंदर 4 महीने के आसपास रहेगा। ये मैंने लमसम में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट 4 महीने, 3 महीने कुछ दिन भी हो सकता है, 4 महीने कुछ दिन भी हो सकता है। तो वो जो है कि 4 महीने जो राहु का गोचर जो है आपका वृक्ष नक्षत्र के अंदर रहेगा। और जो कि वृक्ष नक्षत्र, अगर आपका चंद्रमा उत्तर फागुनी है तो वृक्ष नक्षत्र जो है कि आपका राहु का ट्रांजिट जो है वो आपका खराब रहने वाला है, क्योंकि मृक्षिका नक्षत्र के जो 4 महीने आपके रहेंगे जो राहु के ट्रांजिट, वो आपके जन्म तारा यानी कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसे तीसरा नक्षत्र पड़ता है, जो तीसरा नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र और सातवां नक्षत्र। हमारे शास्त्रों में बोला गया कि जन्म तारे थे जो तीसरे नंबर पर पड़ता हो, सातवें में पड़ता हो, पांचवें में पड़ता हो, 3, 5, 7, वो जो है कि हमारे खराब तारे होते हैं। उसी क्रम में जब 9 नक्षत्र पूरे आते हैं, अगला जो क्रम चलता है 9 नक्षत्रों का, जैसे कि आपका 9 नक्षत्र यहाँ से लेकर आपके पूर्व शाला तक पूरे हो गए, फिर अगला चरण वहीं से चालू हुआ, यानी कि उत्तर फागुनी है, सूर्य का नक्षत्र है, ये भी सूर्य का नक्षत्र है, उत्तर शाला ये भी सूर्य का नक्षत्र है कृतिका। तो आपका जन्म जो सूर्य के नक्षत्र में हुआ तो तीनों सूर्य के नक्षत्र सामने आ जाएंगे, उसके बाद तीनों जो चंद्रमा के नक्षत्र, फिर तीनों जो है कि मंगल के। इस तरीके से आप जो है अपना जन्म नक्षत्र लिख के आगे लिखते चले जाइए। अति मित्र 9 तारे पूरे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर अगले क्रम में चालू हो जाइए। इस तरीके से आपका जो है कि ये खाका तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र हमारे खराब है, कौन से नक्षत्र हमारे अच्छे हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी जो कि आपके जो खराब तारा है, विपत्त तारा है, प्रतिहार तारा है या वध तारा है, उसके अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उतने बढ़िया रिजल्ट वो नहीं देने वाला, भले ही वो बढ़िया भाव का मालिक। इसी प्रकार से ट्रांजिट के अंदर जो राहु जो है अपना जो मृक्षिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो मृक्षिका नक्षत्र आपका जो कि विपत्त तारा है, विपत्त तारा है, विपत्तियां आएंगी। विपत्तियां कहां कहां आएंगी, आपका राहु जो ट्रांजिट कर रहा होगा यहां पर, यानी भाग्य साथ नहीं देगा, पिताजी के स्वास्थ्य को परेशानियां रह सकती हैं, बॉस से अगर आप नौकरी पे हैं तो बॉस से अनबन हो सकती है, लक से फेवर नहीं करेगा आपका। फिर आपका जो है कि लगन को पांचवी दृष्टि से आपके चंद्रमा को देख रहा होगा, मन परेशान रहेगा, दिमाग जो है कि मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, आपके शरीर में कोई बीमारियां आ सकती हैं, आप बीमार हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो है कि उनका जो कि नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, पंचम भाव जो है कि क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, उनके लिए दिक्कत है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाइयों के अंदर भी अड़चन आने वाली है, जब मृक्षिका नक्षत्र के अंदर से राहु गुजर रहा होगा पूरे 18 महीने नहीं, जो 4 महीने जो मृक्षिका नक्षत्र के अंदर से 20 सितंबर से दिसंबर तक, उसमें आपको परेशानी रहने वाली है इन क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि वो आपका खराब तारा है। उसके बाद वो 8 महीने रोहिणी और 6 महीने कृतिका में रहेगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया तारा है, संपत्ति तारा और जन्म नक्षत्र तारा। इन तारे के अंदर जो संपत्ति तारा, उसके अंदर जब राहु गोचर करेगा तो वो यहीं पर गोचर तो यहीं होगा 2 नंबर के अंदर, लेकिन वो जो खराब फल दे रहा था उसको बदलकर वो अच्छे फ्लो में आ जाएगा, और जो है कि वो धन संपत्ति जो पीछे प्रेशर था, नुकसान हो रहा था, जो भी हो रहा था, उसमें सुधार होगा और धन लाभ होना शुरू हो जाएगा,
भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिमाग बढ़िया काम करेगा, और जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर है वो भी तरक्की करेंगे, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं वो तरक्की करेंगे। तो ये पांचवा हमारा स्टेज परफॉर्मेंस का भी है। जो लव रिलेशनशिप के अंदर जो खटास आ चुकी थी वो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि पांचवा भाव हमारा लव रिलेशनशिप का भी है। तो इस प्रकार से जो है कि वो टाइम बहुत बढ़िया जाने वाला है। राहु का ट्रैजिक शुरुआती जो 4 महीने है उसके अंदर बुरा रहने वाला है। अब उसी क्रम में जो हम अपना केतु का ट्रैजिक देख लेते हैं, केतु हमारे तीसरे भाव में से गोचर कर रहा होगा चंद्रमा से। यहां ध्यान रखना कि जहां पर चंद्रमा उसको लगन बना लें, और चंद्रमा से तीसरा भाव, तीसरा भाव जो है कि जो भी पाप ग्रह होते हैं उनके ट्रांजिट के लिए बहुत बढ़िया होता है, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो। तो जब ये लोग 3, 6, 11 में ट्रांजिट करते हैं तो अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ केतु सामान्य तौर पर आप देखोगे तो कन्या राशि से तीसरे भाव के अंदर है तो बहुत अच्छे फल देने वाला है, परंतु आपके जो जन्म पत्री के अंदर जो आपका जन्म उत्तर फागुनी के अंदर हुआ है, तो इसके अंदर जो आपका मिडल जो 8 महीने जो मिडिल के अनुराधा के 8 महीने वो बढ़िया रहने वाले हैं। उसके अलावा शुरुआती 8 महीने और जो लास्ट के 2 महीने हैं ये खराब रहने वाले हैं आपके लिए, जो उत्तर फागुनी के अंदर है केतु की तरह। तो ये खराब क्या क्या चीजें कर रहा, जैसे राहु के हमने बताया, उसी तरीके से ये पराक्रम भाव के अंदर रखा हुआ है, यानी कि भाइयों से अनबन, खटपट, कम्युनिकेशन के अंदर कोई उल्टा सीधा बोल देना, या किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, फाइट हो जाना वहां पर, आर्गुमेंट हो जाना। और जो है कि उसके बाद ये पांचवी दृष्टि, इसकी जो कि आपके सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, सप्तम भाव जो कि आपका जीवन साथी का भाव है, पार्टनर का भाव है, बाहरी दुनिया का भाव है, तो वहां पर जो है कि आपको परेशानियां आने वाली है। और इसके अलावा जो है कि आपके लाभ भाव को ये जो परेशान करेगा, तो लाभ भाव के लिए भी ये खराब है। कौन से पीरियड, जो कि आपका शुरुआती 8 महीने और जो है कि लास्ट 2 महीने। अब शुरुआती 8 महीने के अंदर 4 महीने जो है कि मैंने यहां पर बताया कि आपका जो कि मृगशिरा के अंदर जब रहेगा राहु तो वो भी खराब है। तो जो इसमें से जो 8 महीने शुरुआत के हैं, इसमें जो स्टार्टिंग के 4 महीने रहेंगे वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं आपके लिए, आपको बहुत परेशानी में डालने वाले हैं। क्योंकि जो 4 महीने हैं उसमें राहु और केतु दोनों मिलकर परेशान करने वाले हैं आपको। तो जो 20 सितंबर से दिसंबर तक का टाइम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम है। उसके बाद जो 4 महीने वो केतु वाले जो परेशानियां हैं वो रहेंगे, आपको जीवन साथी से अनबन हो सकती है, अगर किसी से पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं आप तो वहां परेशानियां हो सकती हैं, अर्निंग के अंदर परेशानियां हो सकती है, फ्रेंड सर्कल के अंदर परेशानियां हो सकती है, अगर जिन्होंने एनजीओ खोल रखा तो उनके अंदर भी परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा जो कि डेली रूटीन आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रैवलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रैवल्स का भी हाउस है, भाइयों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी शुरुआती जो 8 महीने, जिसमें से 4 महीने ज्यादा रहते हैं शुरू वाले दिसंबर तक, उसका हल्का फुल्का रहेगा, क्योंकि राहु अच्छा हो जाएगा, फिर राहु अच्छा ही चलेगा। केतु लास्ट के 2 महीने जो कि 16 महीने बीतने के बाद जो लास्ट के 2 महीने आएंगे उसमें 2022 फरवरी और मार्च, वहां थोड़ा सा टाइम खराब होने वाला है आपका, लेकिन जो शुरुआत के 4 महीने वो ज्यादा खराब है, सितंबर से लेके आपके दिसंबर तक, क्योंकि वहां पर राहु और केतु दोनों परेशान करेंगे। तो आपके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाव उस टाइम पे खराब होने वाले हैं, परेशानियां आने वाली हैं, बच्चों से परेशानियां आने वाली है, भाग्य की परेशानियां आने वाली है, पिताजी से बीमार हो सकते हैं, आप खुद बीमार हो सकते हैं, भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है, दोस्तों से अनबन हो सकती है, यानी चारों तरफ से वो उस टाइम पे जो परेशानियां आएंगी, क्योंकि अब कहा जाता है कि जब परेशानियां आती हैं तो चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो इस तरीके से जो है कि शुरुआती 4 महीने आपके लिए खराब है, उसके बाद जो कि पीरियड जो है कि राहु केतु का आपके लिए बहुत अच्छा है, आप एंजॉय कर सकते हैं उस टाइम को। अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि के अंदर, सॉरी कन्या राशि के अंदर हस्त जो है कि नक्षत्र के अंदर है, अगर हस्त नक्षत्र के अंदर है तो आपका जो राहु का जो गोचर है मृगशिरा से होता हुआ, जो आपकी संपत तारे से होता हुआ जन्म तारे पे जाएगा, जन्म तारे से जो है कि आपका आदित्य तारे के ऊपर आएगा, तो ये जो तीनों ट्रांजिट राहु के बहुत बढ़िया जाने वाले हस्त नक्षत्र के अंदर, जिनका चंद्रमा है और राहु का ट्रांजिट, उनको बहुत मस्त रिजल्ट देने वाला, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और वो जो है कि उन्हीं क्षेत्रों में देगा जहां आपका चंद्रमा सॉरी राहु चल रहा होगा, यहां से पंचम दृष्टि आपकी लगन पे और नवमी दृष्टि जो कि पंचम भाव पे, दोनों जगह आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट
मिल रहे होंगे, आपके फादर, आपका लक, आपका जो कि बॉस आपका साथ दे रहे होंगे, आपकी उस शिक्षा में हो तो उस शिक्षा में भी आपको बढ़िया कर रहे होंगे, आपके जो कि लगन के अंदर आपका मन बहुत स्वस्थ रहने वाला, आपकी आइडेंटिटी बढ़ने वाली है, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। पंचम भाव जो है कि आपका जो बच्चों का है, लव रिलेशनशिप का है, पढ़ाई का है, इन तीनों में से किसी भी काम में बहुत बढ़िया स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहां बहुत बढ़िया है। तो आपका जो है कि बहुत बढ़िया टाइम राहु ट्रांजिट आपको बहुत बढ़िया देने वाला है। इसी के संदर्भ में जो है कि हम केतु के ट्रांजिट देख लेते हैं, तो केतु का ट्रांजिट प्रतिहार तारा है, यानी प्रतिहार तारा है आपके अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, और अनुराधा नक्षत्र के अंदर जो है कि 8 महीने बीच वाले शुरुआती 8 महीने जो है कि निकल जाने के बाद अप्रैल तक, यानी इस सितंबर को चेंज होगा, जब अप्रैल आएगा अगले 2021 के अंदर, वहां से 8 महीने जो बीच के हैं उसमें कुछ विरोध आपको सहना पड़ेगा। प्रतिहारी तारा के अंदर जाएगा, विरोधी तारा के अंदर जाएगा, वहां पर कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पीरियड को आराम से निकालिए, किसी झगड़िए मत, किसी से ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलिए, कोई डिसीजन मत लीजिए जिससे कि वो आप पे वापिस रिएक्ट रिफ्लेक्शन के रूप में आए और नुकसान हो जाए आपको। तो ऐसे जो 8 महीने बीच के हैं वो आपको सिर्फ संभल के रहना है केतु की वजह से। केतु आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके अर्निंग के अंदर, आपके भाइयों से, और जो है कि आपके ट्रैवलिंग के अंदर, ट्रैवलिंग करते हुए, और जो है कि आपके जीवन साथी, जो बीच का पीरियड मैंने बताया जो कि अगले साल 2021 से 8 महीने के लिए, उसमें आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है इन तीन क्षेत्रों के अंदर, अर्निंग के अंदर, अर्निंग के फ्रेंड्स के साथ, और जो है कि आपका जीवन साथी के साथ, या आपका कोई पार्टनर है उसके साथ, या भाइयों के साथ। क्योंकि कब जो राहु है वो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जो केतु उस टाइम पे खराब हो जाएगा, तो केतु वाले जो डिपार्टमेंट के जो घर हैं वो थोड़े से नुकसानदायक उस तरीके से कार्य करेंगे, उस टाइम पे पीड़ा दे सकते हैं, तो वहां थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। बाकी पीरियड बहुत बढ़िया आपका, जो है कि जिनका चंद्रमा हस्त के अंदर है। अब कन्या राशि चित्रा के अंदर जिनका जो है कि चंद्रमा है उनकी बात कर लेते हैं। उनका भी जो कि राहु का ट्रांजिट मृषिका से शुरू होगा, जो जन्म तारा है, उसके बाद अति मित्र और फिर मित्र तारा, यानी कि इनके लिए भी राहु बहुत बढ़िया जो कि रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि जन्म तारा से बहुत बढ़िया जगह राहु के जो ट्रांजिट है, नौवें भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट है, लगन से रिलेटेड है, जो पंचम भाव से रिलेटेड रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। अब इसी संबंध में जो कि केतु की बात कर लेते हैं, तो केतु आपके जो है कि बीच का पीरियड सही रहेगा, शुरू का आखिरी का खराब होगा प्रतिहार और उत्पत्ति। तो प्रतिहार तारा के अंदर शुरुआत में जाएगा तो विरोध होगा, आपका बातों का विरोध होगा, आपसे कोई उलझ सकता है, इस तरीके का जो आपके गांव में रुकावट डाल सकता है शुरुआती टाइम पे, तो वो टाइम आपको आराम से निकालना है, किसी से उलझना नहीं है किसी से, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो आपका है जो विपत्त तारा है, विपत्त तारा यानी कि आपका जो है कि विशाखा, जो लास्ट के जो 2 महीने हैं केतु के गोचर के, यानी कि 2022 के अंदर जनवरी मार्च जनवरी का कुछ हिस्सा, वो आपको परेशानी देने वाला है। वहां पर जो है कि आपका जो है कि जो विपत्त तारा है, जो विशाखा नक्षत्र के अंदर जिस टाइम केतु ट्रांजिट करेगा, वो पीरियड आपका खराब रहने वाला है। तो जो उनका चंद्रमा जो है कि चित्रा नक्षत्र के अंदर है, वह 2022 में जो है कि जनवरी का आधा पार हो जाने के बाद में, जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में, 2022 की बात कर रहा हूं, तब तक आप एंजॉय कीजिए, कोई भी प्लानिंग कीजिए, और अगर उसके अंदर आपका राहु आपके जो है कि जन्म पत्र के अंदर बढ़िया बैठा हुआ है, यानी कि वो केंद्र या त्रिकोण के अंदर, केंद्रों के अंदर त्रिकोणों में बैठा हुआ है, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से जो संबंध बना के बैठा हुआ है, किसी राजयोग में है, तो और उसकी दशा भी चल रही है, तो अगर किसी की राहु केतु की दशा चल रही है, जो मैंने अभी विश्लेषण किया, तो जो खराब टाइम है वो ज्यादा खराब जाने वाला है अगर आपके जो चार्ट के अंदर राहु या केतु खराब है, और जो अच्छा टाइम है और राहु केतु आपके चार्ट के अंदर बहुत बढ़िया है, तो वो रिजल्ट जो मैंने अभी बताए हैं उनको मल्टीपल कर दीजिएगा, वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। और जो अगर बढ़िया में खराब भी ट्रांजिट होगा उसमें वो सिंपल हो जाएंगे, बढ़िया भी नहीं रहेंगे, खराब भी नहीं रहेंगे, लेवल हो जाएंगे। तो जो खराब टाइम है उसमें ज्यादा खराब हो जाएंगे, और अच्छे टाइम में वो लेवल हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है तो मैं और दुगने उत्साह के साथ वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। तो आपका स्वागत है, और आज क्या चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।